बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। खाने के लिए आते हैं लगभग 18-19 साल से हमारा। 18-19 साल से जब भी आते हैं तो यहाँ समय मिलता तो खाने आ ही जाते हैं, खा लेते हैं। ये जो है जाना स्टार्ट हो गया है कढ़ाई में मटन साफ होने के साथ। कई जगह क्या होता है कि मटन को साफ नहीं किया जाता है और उसको कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जिससे कमेंट भर भर के आता है कि मटन को साफ भी नहीं किया गया है और कढ़ाई में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे वो सुनने को नहीं मिलेगा। इसे देखने से लग रहा है इसका साइज देखिए, नली का ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का है। अच्छा, कितना मटन बनता है यहाँ? अभी 20 किलो बनेगा, 10 किलो एक घंटा के बाद फिर वो उतार देंगे तो 10 किलो एक बेर बनेगा, उसके बाद ताश बनेगा, 70-65 किलो के ताश बनता है। अच्छा, मतलब एक कुंटल मटन यहाँ पे डेली का बनता है? दिन एक कुंटल मटन बनता है, शुद्ध खस्सी के बनता है, ओरिजिनल। ये गारंटी होता है? गारंटेड है मटन में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो। अभी आपको लेकर आई ये मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के सबसे फेमस मटन हाउस में। यहाँ पे जो है मटन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है और काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे मटन खाने के लिए। लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं और एकदम से मेला लगा होता है मटन खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मटन को बनाया जाता है, खाएंगे स्वाद लेंगे और आप तक स्वाद भी पहुंचाएंगे। वैसे आप भीड़ देख सकते हैं, एकदम भीड़ से खचाखच भरा होता है, इतनी मात्रा में लोग यहाँ पे मटन खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे पुलिस वाले, नेता मंत्री सभी जो है इस एरिया का यहाँ पे खाते हैं मटन। तो इधर प्याज काटना स्टार्ट कर दिए हैं, कितना प्याज काटिएगा? अब कभी कटेगा 30 किलो कम से कम प्याज कटेगा। अच्छा, 30 किलो प्याज। अच्छा, कितना मटन बनता है यहाँ? अभी 20 किलो बनेगा, 10 किलो एक घंटा के बाद फिर वो उतार देंगे तो 10 किलो एक बेर बनेगा, उसके बाद ताश बनेगा, 70-65 किलो के ताश बनता है। अच्छा, मतलब एक कुंटल मटन यहाँ पे डेली का बनता है? दिन एक कुंटल मटन बनता है, शुद्ध खस्सी के बनता है, ओरिजिनल। हाँ, ये गारंटी होता है? गारंटेड है मटन में। इसे काफी बारीकी से काट रहे हैं प्याज, क्या पूरा एक्सपीरियंस है काटने का? तो इधर लहसुन साफ होना शुरू हो गया, ये पेस्ट बनेगा क्या? नहीं नहीं, लहसुन डलाएगा। अच्छा, खड़ा लहसुन डालते हैं? हाँ, अभी साफ करेंगे लहसुन को, उसके बाद डलाएगा। तो कितना डालते हैं? 4-5। 4-5 पीस जो मांगता है खाने के लिए उसको दे देते हैं? हाँ, जो मांगता है उसको मिलता है। ये तो गर्मी बढ़ गया है, लहसुन का डिमांड थोड़ा कम हो गया होगा? बहुत बहुत कम हो गया। तो ये क्या है? ये जीरा। तो जीरा है। तो ये जीरा, लहसुन, मिर्च ये सभी फौरन के लिए तैयार कर लिए हैं। लहसुन फौरन में ही डालते हैं? ये दालचीनी को इसमें डाल दिया गया है फौरन में। ये आ गया तेजपत्ता। तो इसमें क्या कूट रहे हैं? बड़ा इलायची। तो बड़ा इलायची ये फौरन में जाएगा? तो इधर छोटा इलायची भी कूट के डाले हैं। तो ये देखिए, इधर दालचीनी को रखा गया है, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखने में, साइज काफ़ी बड़ी है इसका। तो ये देखिए, कढ़ाई जो है अब गैस के ऊपर चढ़ाया जाता है, इसी कढ़ाई में भी मटन को तैयार किया जाएगा। उसे कढ़ाई काफ़ी बड़ा है। तो इधर देखिए, तेल को जो है पूरा कार्टून में भर के लाया गया है, इसको डाला जाएगा। कौन सा तेल होता है इसमें? भी बढ़िया तेल होता है ना ये? हाँ, बढ़िया तेल होता है। कितना तेल जाएगा इसमें भी? इसमें 2.5 तेल जाएगा। 2.5 किलो? वाह, तो ये आ गया फर्स्ट केजी तेल। खाना है कि खाना? एक घंटा लगेगा, पहले से लोग खड़ा रहते हैं खाने के लिए, क्या बनने से पहले। ये दूसरा आ गया, काफी डिमांडिंग मटन होता है यहाँ का, क्या अभी बना नहीं है, तेल जा रहा है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे आने लगे हैं खाने के लिए। पहले भी 2-4 आदमी देखे थे बाइक से घूम के गए। तो चलिए, ये फौरन जो है पूरा चला गया इसमें, लहसुन, मिर्च, इलायची और तेजपत्ता। अब जाना शुरू हो गया प्याज। वैसे प्याज को जो है काफी बारीकी से काटा गया, देख रहे हैं कितना पतला पतला। हाँ, टोटल कितने प्याज है? 9 किलो प्याज है। 9 KG। कितना दिन से आप ये मटन बनाते हैं? 5-6 साल से बना रहे हैं। 5-6 साल से आप बना रहे हैं यहाँ पे? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले कैंटीन में बनाते थे, और यहाँ आए तो मीट बनाना स्टार्ट किए। हाँ, तो सीखे कैसे आप ये बनाना? ये मालिक सिखाया, बड़का मालिक यहाँ पे। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं? ये जावित्री है। तो जावित्री भी फौरन में डाला जाता है, ये प्याज में? प्याज में डाला जाता है। तो ये मटन आ गया है, इसका साइज काफी हेवी होता है। कितना ग्राम का एक पीस होता है? 200-300 ग्राम का होता है। एक केजी में कम से कम 18 पीस होता है, यानी कि लगभग 60-70 ग्राम का एक पीस होता है। तो इधर मटन आ चुका है, इधर प्याज को
गलाया जा रहा है। साथ में इधर देखिए प्याज अभी तक जो है पूरा कट ही रहा है, पूरा के पूरा एक बोरा प्याज लाया गया है और वो बोल रहे हैं कि एक दिन में ये सारा प्याज खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए ये आ गया चुस्ता, पूरा साफ करके लाए हैं। हाँ, इसको बांधते भी हैं? नहीं नहीं बांधेंगे, पूरा इसे डाल देते हैं तो निकलता नहीं है इसे में। तो कहीं कहीं पे देख के इसको पूरा बांध के प्लास्टिक से उसके बाद डाला जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे सीधा डाल दिया गया है। अच्छा होता है इसे में क्या, उसमें धागा वगैरह से बांधता है? हाँ, वो बांधना नहीं चाहिए प्लास्टिक से बांधने के क्या हो? तो गर्म में डालने के बाद हानिकारक होता है सेहत के लिए, अपने आप सेट हो जाएगा। बढ़िया है। यहाँ पे मटन को जो है लाने के बाद खुद से साफ करते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। तो ये जो है जाना स्टार्ट हो गया है कढ़ाई में मटन साफ होने के साथ। कई जगह क्या होता है कि मटन को साफ नहीं किया जाता है और उसको कढ़ाई में डाल दिया जाता है, जिससे कमेंट भर भर के आता है कि मटन को साफ भी नहीं किया गया और कढ़ाई में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे वो सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जितने भी चर्बी वाला पीस होगा वो अभी नहीं डालिएगा, अभी नहीं, बाद में डालेंगे। वैसे मटन के साथ क्या क्या खिलाते हैं? चावल है, रोटी है। चावल रोटी, इसका रेट क्या होता है? 240 रुपये प्लेट। अच्छा, 240 में क्या पीस? चार पीस। अच्छा, चार पीस मटन का होता है। अगर दो पीस कोई खाए तो? दो पीस 120। ये आ गया नमक। ये मटन कितना है? ये 13 किलो मटन। 13 किलो, 13 किलो में नमक कितना डालिएगा? हम अपने अंदाज से डाल रहे हैं, देखिए। अच्छा, वो आपका बना हुआ अंदाज कितना डालना है? और नमक जाएगा कि बस हो गया? बहुत हो गया नमक, ज़्यादा नमक खाने वाला होता है, वो टेबल पर नमक रखा हुआ रहता है, वो लेके खा लेते हैं। अब जाएगा इसमें ये हल्दी। हाँ, हल्दी जाएगा। ये कौन सा पीस है? पेपरा। अच्छा, ऊपर से ये लेयर होता है, इसको छील देने के बाद है ना मुलायम हो जाता है। मुलायम हो जाता है, पूरा हार्ड लेयर होता है क्या? ये है धनिया। अच्छा, धनिया का पाउडर कितना डालते हैं? 7 चम्मच। फिर अपना हाथ से पिसाया हुआ? अपना हाथ से पिसा हुआ, मालिक पिसवा के लाते हैं अपना हाथ से। देखिएगा मसाला सब अपना हाथ से पिसा हुआ है, यहाँ जो भी मसाला था सब अपना हाथ से। हाँ, अपना हाथ से, वह मालिक है, वह पिसवा। आ गया मिर्च का पाउडर, ये भी अपना हाथ का होता है। हाँ, ये भी अपना हाथ का। ये क्या चम्मच डाले? 9 चम्मच। 9 चम्मच ये क्या है? ये मरीच है। अच्छा, तो मरीच का अलग से, बहुत जगह मिला के रखा जाता है, ये अलग से रखे हुए हैं। 7 चम्मच काली मरीच का पाउडर इसमें गया है। अब जाएगा ये जीरा का पाउडर। तो ये क्या होता है? क्या? सब जीरा। इसमें थोड़ा सा ये सब जीरा डाले, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसका बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत हार्ड होता है ये हल्का हार्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा डाले हैं। थोड़ा सा डाला ही जाता है। जा रहा ये लौंग। लौंग, अच्छा लौंग भी डालते हैं। पूरा मसाला को जो है इधर टेबल पे सजा के रखा गया है क्या? अच्छा, ये बड़ा इलायची और छोटा इलायची इसमें डालिएगा। हाँ, के बाद। अच्छा, इसको कूट के डालते हैं? हाँ, हल्का छोड़ देते हैं, टेस्ट सब मिलेगा इसमें। वैसे तो फोरन में भी डाले चाहिए। हाँ, तो फोरन में डाले हुए थे, हल्का फोरन में दिए थे, हल्का इसमें देंगे, हल्का पहले देते हैं, हल्का बाद। अब जो है ये गया बड़ा इलायची और छोटा इलायची। होटल कितना पुराना है? 50 साल से ऊपर हो गया। आप यहाँ पे कितना दिन से हैं? हम, ये मेरा ही भाई की दुकान है। आपके भाई का है? बड़े भाई का दुकान। मिस्त्री यहाँ का हेड मिस्त्री आप हैं? जी, पूरा चीज में एक्सपर्ट, हर चीज सब कुछ में एक्सपर्ट है। कबाब जो सामान बनवाना है, मटन टिकिया, मटन चाट, कोई चीज नहीं बनता है मटन का। मटन का हर आइटम हम जानते हैं, बनाते हैं। उसको बांध देते हैं, उससे बांधने से फायदा? बांधने से फायदा होता है, छितराता नहीं है ज़्यादा, गलता नहीं है ज़्यादा। उसे इसमें जो है सारा के सारा कलेजी वाला पीस है क्या? कलेजी गुर्दा, कलेजी गुर्दा और चर्बी निकाल लेते हैं, लास्ट में डालते हैं। हाँ हाँ, पेस्ट है। अच्छा, ये लहसुन का पेस्ट खुद कितना डाले? लहसुन का पेस्ट अभी लगभग 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम डालते हैं। वैसे मटन खाने के लिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी होता है, तो भीड़ को संभालने के लिए क्या करते हैं? 10 गो स्टाफ है, मालिक लेकर के 12 गोरा है, 12 गोरा मिलकर के हम लोग संभाल लेते हैं। निकाल दिया
तो अब क्या डाला जा रहा है ये? ये मीट मसाला है। अच्छा, मीट मसाला ये लास्ट में डालते हैं। लगभग हो गया क्या? नहीं, अभी थोड़ा लगेगा समय। लगभग कितना टाइम लगेगा? और अब जाएगा कलर के लिए ये काश्मीरी मिर्च। हाँ, ये देखिए काश्मीरी मिर्च कितना डालते हैं ये थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा। तो इधर आटा में पानी डाल रहे हैं, क्या बनाइएगा? आटा सानेंगे, उसके बाद रोटी परौठा ऑर्डर आएगा, बनाते जाएंगे। रोटी तो बनते रहता है, परौठा का ऑर्डर आता ही रहता है, तो बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मटन जो है रोटी पराठा के साथ में भी खिलाते हैं। अच्छा, मटन खाने के लिए आए? बना नहीं है। नहीं, फ्राई भी अच्छा रहेगा। फ्राई में इसे ही आप खाने के लिए आते हैं? खाने के लिए अभी 10-12 साल से आते हैं। 12 साल से? बढ़िया होता है, बहुत अच्छा, फेमस है मुजफ्फरपुर। इस एरिया का तो सबसे फेमस मुजफ्फरपुर का फेमस है, मुजफ्फरपुर का। चलिए, ये मटन बन के हो चुका है रेडी क्या? हाँ, तो अब और कुछ नहीं जाएगा? गैस बंद हो गया, बिक्री हो गया। उसे कलर देखे कितना बेहतरीन आ गया है, पूरा रोगन तैर रहा है ऊपर। ये देखिए काफी बेहतरीन। शुद्ध खस्सी जो होता है, शुद्ध ओरिजिनल खस्सी, ओरिजिनल खस्सी बनता है यहाँ। अच्छा, शुद्ध खस्सी का? शुद्ध खस्सी। और यहाँ का मटन बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। दूर दूर से? हाँ, कहाँ से आ जाते हैं? मोतिहारी हो गया, आपको पटना हो गया, जहाँ से लोग आ गया, आसपास के 4-5 जिले के लोग यहाँ पहुँच जाते हैं खाने के लिए। ये कलेजी का कटिंग कर रहे हैं? नहीं, ये दिल है। दिल का दो टुकड़े कर रहे हैं क्या? दो टुकड़े नहीं, जिस पीस का हिसाब है वही पीस बना रहे हैं, पीस का हिसाब से। भैया इधर मटन कढ़ाई लिए खाने के लिए, कैसा होता है मटन यहाँ का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि तो यहाँ के जो ऑनर है वो है हमारे चंपारण, हम चंपारण से ही हैं। अच्छा। ठीक। और वहाँ से लगभग यहाँ से हम 4 साल से यहाँ खाते हैं। 4 साल? 4 साल से हम खा रहे हैं। तो हम मटन तो आज तो खा नहीं रहे, लेकिन आज का ग्रेवी वाला मन किया खाने के लिए, ग्रेवी वाला खा रहे हैं। तो चलिए, ये मटन तास बनना स्टार्ट हो गया। वैसे ये 20 मिनट में बन के रेडी हो जाता है? 20 से 25 मिनट में। तो इसमें तेल डाल रहे हैं, कितना तेल डालिएगा अभी? 1 लीटर से 150 ग्राम बेसी है। अच्छा, इसमें कितना बनेगा अभी? इसमें 5 केजी। 5 केजी 1 लीटर में बनता है। अच्छा, ये मटन आ गया है, कितना मटन है ये? ये इसमें होगा आपको 15 केजी होगा। इधर ये फ्रेश मसाला तैयार करके रखा हुआ है, उसे अच्छा मात्रा में ये मसाला है। कितना बनता है ये तास? इसमें है 40 केजी। इस मसाला में 40 केजी तास बनेगा? मैग्नेट करके रखा रहता है। हाँ, बनते रहता है। अच्छा, इसमें मैग्नेट करके रख देते हैं, ये बनते रहता है। हाँ। इसमें मसाला क्या सभी होता है? प्याज अदरक छोड़ के सभी मसाला है, घर में जो मसाला पड़ता है सब मसाला। प्याज अदरक नहीं डालते जी? नहीं। प्याज या नमक ऊपर से जा रहा है। ये हल्दी डाल रहे हैं? ये हल्दी हो गया। अच्छा, हल्दी का पाउडर अलग से पड़ता है? तो चलिए, ये बनना स्टार्ट हो गया है तेल में, ये मटन को डाल दिया गया है। अब ये 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ तेल में बनाया जाता है, इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। साथ में मसाला जो होता है वो मटन में मैरिनेट करके रख देते हैं। तो चलिए, लगभग 20 मिनट बाद देखिए, ये मटन तास बन के हो चुका है रेडी। उसे उधर मटन बन गया है और इधर ये मटन तास, लगभग 5 मिनट अभी बचा हुआ है, ये हो जाएगा रेडी। उसे भीड़ देखिए, काफ़ी भीड़ बढ़ चुका है यहाँ पे, ये मटन तास और मटन कढ़ाई खाने के लिए। खा लिए मटन? कैसा लगा खाने में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से सिर्फ ये मटन खाने के लिए? तो सर खा रहे हैं मटन, कैसा होता है मटन यहाँ का? बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। खाने के लिए आते हैं जी? कब से खाने के लिए आते हैं यहाँ? लगभग 18-19 साल से हमारा। 18-19 साल से? तो ऐसा टेस्ट होता है कि यहाँ का लत लग गया है। हाँ, जब भी आते हैं अगर मुजफ्फरपुर। कहाँ से हैं? हम सीतामढ़ी, सोनबरसा से। सीतामढ़ी से? जब भी आते हैं तो यहाँ समय मिलता तो खाने आ ही जाते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि शुद्ध मिलता है। शुद्ध मिलता है, फ्रेश मिलता है और साफ सुथरा। तो चलिए, मेरे लिए ये प्लेट लग गया है। वैसे चावल का क्वालिटी देखिए कितना फ्रेश है। और ये चावल जो है ये कढ़ाई के साथ में खाने के लिए मिलता है। और ये आ गया मटन तास, इसके साथ में मिलता है। चूड़ा भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। वैसे रेट का बात करें तो पहले रेट का बात नहीं किए, या इसका रेट जो होता है 4 पीस का 240 रुपया, और इसका भी 4 पीस का 240 रुपया। तो हम पहले टेस्ट करेंगे इसको, कढ़ाई को। इसे पहले जो कढ़ाई यहाँ पे हम नहीं खाए थे, ये आ गया मटन कढ़ाई, साथ में ग्रेवी और चावल। ओहो, काफ़ी बढ़िया से मिल गया। काफ़ी गजब का, मज़ा आ गया खाने में।
मटन हो तो इस तरीके का, ये देखिए इसका अंदर देख रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है, आराम से ये निकल जा रहा है, गल जा रहा है। बहुत दिन से इस तरीके का मिस कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन। थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे इसको। वैसे मुजफ्फरपुर आए और मटन सास नहीं खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी कोई काम से भी आते हैं, जब से यहाँ के बारे में जाने हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लगता है खाने में। अंदर तक पूरे पक गया है, 20 मिनट तक सिर्फ तेल में भून भून के इसको बेहतरीन कर देते हैं। एक चीज़ है, अगर आप ये खाते हैं उसके बाद ये खा लेते हैं तो ये फीका लगेगा इसके समय, काफ़ी बेहतरीन स्वाद इसका होता है। और यहाँ पे जो है मटन तास के लिए ही ये मुजफ्फरपुर जाना जाता है, उसमें भी ये अमर मीठा होता है। तो चलिए थोड़ा सा चूरा लिए हैं मटन तास के साथ में, काफ़ी बढ़िया लगता है ये खाने में। तो यहाँ का ये फेमस है ही, उसको भी खाते हैं। अब इसके साथ भी थोड़ा सा ग्रेवी दिया गया है, चूरा भुना हुआ होता है। काफ़ी बढ़िया। तो ये पूरा प्लेट ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा चूरा लिए हैं, खाने में मज़ा आ रहा है। तो इस प्लेट को करते हैं ख़त्म और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ और अच्छे खाना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।